हेलो दोस्तों, तो मैं हूं दीपेन कुशवाहा और कुछ दिनों की छुट्टियां घर पर बिताने के बाद अब मैं फिर से निकला हूं अपने घर से अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने स्टडी को पूरा करने के लिए इंदौर के लिए। तो ये है फुल एसी गाड़ी। और जब मैं सोया रात को और जब सुबह उठा तो सीन कुछ ऐसा नज़ारा मुझे देखने को मिला, मज़ा आ गया देख के। तो बस अब मैं पहुँच गया हूँ अपने रूम पर और ये हमारे रूम की बाहर की गैलरी है। और जैसे ही हम दरवाज़ा खोलते हैं, चूँकि हम काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं, तो देखते हैं रूम का क्या नज़ारा देखने को मिलता है। तो ये भाई देखो, मैंने दरवाज़ा खोला और ये बंद किया। अब मैं जब रूम को देखता हूँ तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा रहता है। इतना गंदा रूम है, इसको साफ करने में ही मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। खैर, साफ तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, चाहे कुछ सोच लो। तो सबसे पहले बैग निकाल देते हैं, फिर मुझे याद आता है मैं मनी प्लांट करेंगे जिसे मैं छोड़ के गया था। अब देखता हूँ सूख तो नहीं गया है, पानी 1 महीने से किसी ने नहीं दिया होगा, लेकिन पानी है अभी थोड़ा तो है उसमें, तो सूखा नहीं है। तो अपन थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। ये मेरा मनी प्लांट, मेरा मोस्ट फेवरेट, मेरी सारी वीडियोज़ में इसको मैं यूज़ करता हूँ और ये मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स देता है मॉर्निंग टाइम में। इसको पानी देके मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ। तो इसको पानी देने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम था मेरा। अब मैं आता हूँ, अपना रूम देखता हूँ कि करना क्या है। थक तो बहुत गया हूँ ट्रैवल करते करते, लेकिन फिर भी थकने के बाद कुछ पहले खा लेते हैं, देन कुछ बर्गर करेंगे। सबसे पहले पेट पूजा। मम्मी ने केले रख दिए थे और साथ में ही थोड़ा सा खाना भी रखा हुआ है, तो अभी मुझे खाना बनाना नहीं पड़ेगा और मैं सीधा सीधा खाना खा लूँगा। मम्मी लोग हमारे बारे में कितना अच्छा सोचती हैं। देखो, उन्होंने खाना रख दिया कि इसको बेटे को जाके बनाना पड़े और ये वहाँ जाके पहले आज का तो खाना खा ही लेगा, शाम को बनाएगा। देन फिर ये थोड़ा सा फ़नी होता है, रियली फ़नी होता है। मैं इसको एडिट करना चाहता था, मैंने सोचा इसको डला रहने देते हैं। फिर सामान जमाते हैं। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर याद आता है कि नहीं, ये ज़्यादा तो सुखाना पड़ेगा क्योंकि बारिश का टाइम है, ये बहुत बदबू मार रहे हैं। सबसे पहले इनको छत पे ले जाते हैं और थोड़ा सा सूखा धूप दिखा देते हैं ताकि इनकी बदबू थोड़ा दूर तो हो। एटलीस्ट मुझे धोना नहीं पड़ेगा, धूप से ही काम चल जाएगा, देसी जुगाड़ है ये। तो अब सारे काम हो गए मेरे ऑलमोस्ट और मैं बहुत थक चुका हूँ, आई नीड रेस्ट। तो थोड़ा आराम कर लिया जाए, कम से कम एक आधा घंटे की नींद तो ले ही लेता हूँ। और 1 घंटे की नींद के बाद अब मैं उठने वाला हूँ, जैसा मैंने वीडियो बनाया था और ये अच्छी एक्टिंग थी। खैर ठीक है, अब सारे काम हो चुके हैं, अब मैं पढ़ने बैठूँगा और कंटिन्यूसली 2 घंटे तक पढ़ूँगा। और मेरी जो डायरी है उसमें मैंने सारे नोट्स बना के रखे हैं कि क्या क्या किस टाइम पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं डायरी चेक करूँगा कि अब मुझे कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक पढ़ चुका हूँ। इन सब को टिक लगाने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास की और मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। स्टे ट्यून विद दीपेन कुशवाहा ब्लॉग्स। सी यू सून।